अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज दो इन्फॉर्मेशन है, एक सऊदी से रिलेटेड, जो सऊदी को बंदे बाहर जाते हैं, मीन्स इंडिया से सऊदी आते हैं उनके लिए है, और एक जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उस पर जो कॉल डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन आती है उससे रिलेटेड। तो पहले बात करते हैं पीसीसी से रिलेटेड, जो हम लोग बाहर को, इंडियन लोग जो बाहर सऊदी अरब को जाते हैं उनके लिए जो पीसीसी का एक नियम था, अभी कुछ महीने से लागू था, अभी वो ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी एक गुड न्यूज़ आई है, जो लोग सऊदी अरब को आ रहे थे उनको पीसीसी पहले कंपलसरी हो गया था अभी पीछे, लेकिन अभी एम्बेसी ऑफ जो सऊदी अरबिया दिल्ली में, उन्होंने गुड न्यूज़ दिया, अभी नो मोर, अभी ख़त्म कर दिया उन्होंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, अभी उन्होंने क्लियर कर दिया था। जो लोग भी सऊदी अरब आना चाह रहे थे तो उनको मस्ट था, लाजिम था उनको पीसीसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और वो तकरीबन 3 महीने जा रहे थे उसमें, एकदम नहीं आ रहा था। मैं इधर यूपी मुरादाबाद में तो काफ़ी लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, तो अभी वो गुड न्यूज़ है, अच्छी गुड न्यूज़ है, जो लोग आना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा फैसला है। और दोनों ने मिलकर जो सऊदी और इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने ये फैसला लिया और काफ़ी अच्छा फैसला है दोस्तों। अभी हम जब बात करते हैं, किसी का नंबर आता है, जो नंबर सेव होते हैं तो वो हम जानते हैं किसका है, बात कर लेते हैं। कुछ कभी कभी ये अननोन नंबर से फ़ोन आता है जो दिखते नहीं है, खाली नंबर होते हैं, नाम नहीं दिखता। तो अभी जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने अभी कुछ नया लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी जैसे ही किसी के पास फ़ोन जाएगा तो जिस बंदे ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जिस नाम पर वो सिम रजिस्टर्ड है, उसका नंबर, नाम के साथ नंबर आएगा, नाम भी लिखा हुआ होगा। तो ये कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन जो अभी स्कैम हो रहे थे, जो DND लगवाना पड़ता था, अननोन नंबर से कॉल आते थे, लोग परेशान हो जाते थे, जो स्कैम वगैरह होते हैं उनके लिए तो बेहतर है। अभी जिसका भी फ़ोन आएगा आपके पास, उस पर उसका नाम होगा, डिटेल होगा, और अभी लोग ज़्यादातर जो अभी स्कैम कर रहे हैं ना, आपकी लॉटरी लग गई, आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया, ये अभी कम हो जाएंगे। क्राइम, यानी इस तरह का जो क्राइम था, लोगों को हरास किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, ये अच्छा है। नुकसान भी है, कभी कभी किसी को इस तरह की कोई कॉलें करनी पड़ जाती हैं, जिसमें अब बंदा आइडेंटिफिकेशन, उसकी ID अपनी छुपाना चाहता है, पता नहीं अननोन नंबर से बात करना चाहता है, और वो इस तरह के लिए कुछ नुकसान भी, कुछ फ़ायदे भी है। लेकिन ख़ास तौर पर उनको कहना चाहूँगा, जब तक ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे थे, ट्रू कॉलर क्या है, एक स्कैम है, जैसे ही हम उसको डाउनलोड करते हैं तो वो सारे जितने भी हमारे फ़ोन में नंबर होते हैं, हमारे नंबर का तो एक्सेस ले ही लेता है, उन नंबरों का भी एक्सेस ले लेता है, और वो काफ़ी बड़ा स्कैम है। सारी डिटेल्स उसके पास उन नंबरों की भी चली जाती है जो हमारे मोबाइल में सेव होते हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा फैसला है, जो लोग स्कैम का शिकार हो रहे थे, ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, वो जानते होंगे, तो अभी ये काफ़ी अच्छा फैसला है टेलीकॉम अथॉरिटी का, इंडिया की, बहुत अच्छा फैसला है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।